कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन हमारी लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। आज अगर हमें अच्छी जॉब चाहिए तो कम्युनिकेशन चाहिए, एक बिजनेस स्टार्ट करना है तो कम्युनिकेशन चाहिए, एक स्टार्टअप क्रिएट भी करना है ना तो भी कम्युनिकेशन चाहिए, हमारी फैमिली हमारी सोसाइटी में अच्छा नाम चाहिए, अच्छा फ्रेम चाहिए तो भी हमें कम्युनिकेशन चाहिए। बट कम्युनिकेशन सिर्फ ये नहीं होती जो हम अपने मुँह से बोलते हैं, हमारी बॉडी लैंग्वेज भी हमारे बारे में बहुत कुछ बोलती है। अगर हम और अंदर जाए कम्युनिकेशन के तो हमारा बिहेवियर हमारा स्वभाव भी हमारे बारे में बहुत कुछ बोलता है, जिसे ही हम कहते हैं बिहेवियर कम्युनिकेशन। अगर आप बोलने में बहुत अच्छे हो, आपकी बॉडी लैंग्वेज भी बहुत अच्छी है, तो हो सकता है कि आपको थोड़े टाइम के लिए सक्सेस मिल जाए, थोड़े टाइम के लिए अचीवमेंट्स मिल जाए। बट अगर आपको वर्ल्ड पे एक अपना इम्पैक्ट क्रिएट करना है, अपना नाम क्रिएट करना है, तो आपको अपने बिहेवियर पर भी काम करना पड़ेगा, अपने व्यवहार पे भी काम करना पड़ेगा। एग्जाम्पल के लिए इस दुनिया की सबसे बड़ी बड़ी जो कंपनीज है, अगर आप उनके मालिक को देखोगे तो चाहे उनकी कम्युनिकेशन बोलने वाली इतनी अच्छी हो या ना हो, चाहे उनकी बॉडी लैंग्वेज इतनी अच्छी हो या ना हो, बट उनका बिहेवियर उनका स्वभाव बहुत अच्छा होता है। और जो उनकी कंपनी में एम्प्लॉयज़ काम करते हैं उनकी कम्युनिकेशन बहुत अच्छी होती है, बोलने में बहुत अच्छे होते हैं, उनकी बॉडी लैंग्वेज भी बहुत अच्छी होती है, बट सिर्फ वो मात खा जाते हैं अपनी बिहेवियर स्किल्स में, यानी अपनी व्यवहार कला में। पिछले वीडियो में हमने बात की थी टाइप्स ऑफ ह्यूमन नेचर, इस वीडियो में हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ बिहेवियर कम्युनिकेशन। आज का वीडियो बहुत ही डेप्थ में होगा तो इसे पूरा देखते रहिए। एग्रेसिव कम्युनिकेशन एक हमलावर की तरह होते हैं, जो किसी भी इंसान किसी भी चीज वस्तु को नुकसान पहुंचाने का इरादा रखते हैं। ये व्यक्तिगत हमले करते हैं, पुट डाउन की स्थिति क्रिएट करते हैं और लड़ाई झगड़े करते हैं। इनके अंदर भावना इमोशंस की बहुत कमी होती है और ये दूसरों से भी सहानुभूति नहीं रखते। ये अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए सामने वाले किसी भी इंसान को किसी भी कीमत पर डराते हैं, धमकाते हैं, क्योंकि ये एक ही चीज़ मानते हैं कि अपनी ज़रूरतों को पूरा करने का एक ही तरीका है, शक्ति दिखाना, दूसरों पर गुस्सा करना, दूसरों पर हावी होना। अब आते हैं दूसरों से व्यवहार कैसे करते हैं, तो ये दूसरों को हमेशा नीचा दिखाते हैं, दूसरों को इग्नोर करते हैं, दूसरों पे हावी होने की कोशिश करते हैं, कभी भी किसी की तारीफ़ नहीं करते, दूसरे लोगों को बिना बात के परेशान करते हैं, उन पर गुस्सा करते हैं और दूसरे इंसानों की भावना पर कोई विचार नहीं करते। अब आते हैं इनकी नॉन वर्बल बिहेवियर पर, तो इनकी आवाज़ थोड़ी तेज़ होती है, ये हमेशा लाउड बोलते हैं, जिससे इनको ये लगता है कि हम सामने वाले इंसान पर हावी हो जाएंगे। इनके अंदर बहुत ही गुस्सा भरा होता है, ये अपने आप को बहुत बड़ा मानते हैं बट अंदर ही अंदर अपने आप से निराश महसूस करते हैं। इसके अलावा ये खुद से नाराज़ रहते हैं, डरा हुआ अपमानित महसूस करते हैं। हालांकि लाइफ में कुछ ऐसी सिचुएशन भी आती है जब हमें एग्रेसिव बनना पड़ता है, जहाँ पे प्यार से समझा के काम नहीं चलता तब हमें एग्रेसिव होना पड़ता है, बट ऐसी सिचुएशन लाइफ में बहुत कम आती है। इस तरह के लोग अपने विचार अपनी भावनाओं को बहुत ही इजी मैनर में सामने वाले व्यक्ति को समझा पाते हैं, उनके सामने रख पाते हैं। इनका ये मानना होता है कि इस दुनिया में जितने भी लोग हैं वो आज जिस कंडीशन में जिस समस्या में वो अपनी वजह से हैं। जब भी कोई इंसान इनके पास प्रॉब्लम लेके आते हैं तो ये उनकी बातों को सुनते हैं, उनकी बातों को समझते हैं और अपनी राय भी देते हैं और उनकी प्रॉब्लमों को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ये इधर उधर की बातें नहीं करते, ये हमेशा लोगों को लड़ाई झगड़े ना करने की सलाह देते और बोलते कि रिश्तों को बनाए रखने की कोशिश करो और हमेशा एक समझौता कराने की कोशिश करते लोगों के बीच में। बट इस तरह का बिहेवियर कम्युनिकेशन रखने वाले बहुत कम लोग होते हैं। हालांकि जो इस तरह का कम्युनिकेशन रहते हैं वो लोगों की बातों को सुनते हैं, लोगों के थॉट्स को समझने की कोशिश करते हैं, लोगों की भावनाओं को समझने की कोशिश करते हैं और खुद भी अपनी राय देते हैं, जिससे सामने वाला व्यक्ति इनसे बहुत कम्फर्टेबल फील कर पाता है। इनका आत्मसम्मान इनका सेल्फ इस्टीम बहुत हाई रहता है, ये खुद पे बहुत विश्वास करते हैं। जब भी ये किसी से बात करते या अपनी राय देते तो ये कभी ये नहीं सोचते कि यार सामने वाला किस कास्ट का है किस रिलीजन का है, बस उनकी भावनाओं को समझकर अपनी बातों को रखते हैं। ये हमेशा प्रॉब्लमों का सामना करते हैं, कभी भी एक नेगेटिव एटमोसफियर क्रिएट नहीं होने देते। अब आते इनका व्यवहार कैसा होता है, तो जैसे कि मैंने बताया ये अपने विचारों को बहुत आराम से दूसरे व्यक्ति के सामने रख पाते तो लोग भी अपने विचार इनके सामने रख पाते हैं। तो ये हमेशा जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार रहते हैं, मुश्किलों को सामना करने के लिए तैयार रहते हैं, हमेशा डिसीजन लेने के लिए
तैयार रहते हैं और अगर इनकी गलती होती है तो उसे मान लेते हैं। ये हमेशा एक विजन के साथ चलते हैं। अब आते हैं इनकी नॉन वर्बल बिहेवियर पर। तो ये हमेशा ओपन बॉडी लैंग्वेज रखते हैं, हमेशा आई कॉन्टेक्ट करते हैं। जब भी कोई इंसान इनसे मिलता है या फिर किसी इंसान से मिलते हैं तो ये हमेशा उन पर एक पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं। इनसे सामने वाला व्यक्ति हमेशा जुड़ा हुआ महसूस करता है, उनको लगता है यार ये तो अपने ही हैं। और ये लोग अपनी लाइफ में बहुत ही कंट्रोल फील करते हैं कि यार मेरी लाइफ बहुत कंट्रोल में है मेरे। ये हर दूसरे इंसान के लिए एक रिस्पेक्टेड एटमोसफियर क्रिएट करते हैं। ये कुछ इस तरह के इंसान होते हैं जो अपनी बातों को, अपनी भावनाओं को सामने वाले इंसान को नहीं बताते। ये हमेशा दूसरों को खुश करने में लगे रहते हैं और अपनी खुशी को कहीं पीछे छोड़ जाते हैं। ये लड़ाई झगड़ों से दूर रहने की कोशिश करते हैं और जब भी ये किसी से बात करते हो तो अनकंफर्टेबल फील करते हैं। इस तरह का बिहेवियर कम्युनिकेशन तब क्रिएट होता है जब उनको लगता है कि इस लाइफ में हमारी कोई ज़रूरत नहीं है। उनको ये महसूस होता है कि हमारे कोई मायने नहीं है हमारी लाइफ में। ये अपनी अंदर की आवाज़ को दबा देते हैं। इसकी वजह से इनके अंदर आत्मसम्मान की बहुत कमी होती है, सेल्फ इस्टीम की इनके अंदर बहुत कमी होती है। ये दूसरों पे बहुत जल्दी विश्वास कर लेते पर खुद पे कभी जल्दी विश्वास नहीं करते। अब आते हैं इनका बिहेवियर कैसा होता है। तो ये हमेशा टकराव से बचते हैं, जिम्मेदारियाँ और डिसीजन लेने में डरते हैं, तारीफ को इनकार करते हैं, बिना बात के दूसरों से अनुमति मांगते हैं, खुद को दोष देते हैं, बहुत कुछ कहना चाहते पर कुछ कह नहीं पाते। अब आते हैं इनका नॉन वर्बल बिहेवियर। तो ये एक उलझे हुए और नरम आवाज़ के होते हैं, कभी भी आई कॉन्टैक्ट नहीं कर पाते, कुछ भी बोलते तो बहुत बार सोचते हैं, बोलते वक्त झिझकते हैं, खुद को बहुत छोटा मानते हैं और ये दूसरे लोगों को कॉपी करने की कोशिश करते हैं। ये हमेशा चिंता में डूबे रहते हैं, खुद से नाराज रहते हैं, खुद को शक्तिहीन मानते हैं और पता नहीं किसी भ्रम में डूबे रहते हैं। ये चिंतित इसलिए महसूस करते हैं क्योंकि इनको लगता है हमारी लाइफ हमारे कंट्रोल में है ही नहीं, और ये नाराज इसलिए होते हैं क्योंकि इनकी ज़रूरतें पूरी नहीं होती और इनकी कोई थॉट्स इनकी भावनाओं को भी नहीं समझ रहा, इसलिए किसी भ्रम में चले जाते हैं और लास्ट में खुद से निराश, परेशान, नाराज यही महसूस करते हैं। और बात करते वक्त बहुत ही चिंता करते हैं, बहुत ही सोचते हैं, जिसकी वजह से खुद को कई कई बार तो चोट भी पहुँचा लेते हैं खुद पर गुस्सा करके। जब इस तरह का कम्युनिकेशन डेवलप होता है किसी इंसान में तो उनको खुद को नहीं पता होता है उनके साथ क्या हो रहा है, वो कहाँ खड़े हैं, उनकी भावनाएं क्या हैं, वो किस स्थिति में खड़े हैं, और इसी के कारण वो दूसरों को बढ़ावा देते हैं और खुद को पीछे कर देते हैं, जिसकी वजह से इनका आत्मसम्मान और भी कम हो जाता है। जब इनकी लाइफ में कुछ ऐसी घटना होती है, ऐसी कोई सिचुएशन क्रिएट होती है जब इनको अपने बिहेवियर को चेंज करने पड़ता है, तब जाके ये कहीं ना कहीं ग्रोथ कर पाते हैं। इस तरह के इंसान में शर्म और भ्रम दोनों होते हैं, बट लाइफ में कुछ ऐसी सिचुएशन भी आती है जब ऐसा बिहेवियर सही होता है, जैसे कि कुछ छोटी छोटी बातों को लेकर बहुत बड़े झगड़े हो जाते हैं, बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती है, तब इस तरह का बिहेवियर उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। पैसिव एग्रेसिव, नाम से पता चल रहा है कि इसमें दोनों पहलू होंगे। ये लोग इस तरह के होते हैं जो अपने गुस्से को डायरेक्ट वे में नहीं किसी और वे में दिखाते हैं। आपने कुछ इंसान ऐसे देखे हों जो अपना गुस्सा चीज़ों पे उतारते हैं, चीज़ों को तोड़ देते हैं गुस्से में, अंदर ही अंदर ऐसे इंसान खुद को नाराज, खुद को परेशान महसूस करते हैं। अगर आपने एक मूवी है जिसका नाम है एक विलन, उसको देखिए, जिसमें नितेश देशमुख का एक कैरेक्टर है, वो मान लो कुछ इस तरह का ही कैरेक्टर है जो इस तरह का बिहेवियर रखता है, जो दो मुही ज़िंदगी जी रहा है, जो अपने गुस्से को डायरेक्ट वे में अपनी वाइफ को नहीं दिखा सकता तो वो गुस्सा कहीं और उतारता है। इसे ही कहते हैं पैसिव अग्रेसिव, जो एक टाइम पे वो बहुत भोले होते हैं, मतलब भोली सी शक्ल बनाते हैं, बट अंदर ही अंदर उनके अंदर गुस्सा भरा होता है। इस तरह के इंसान अपने आप को शक्तिहीन, नाराज, एक अटका हुआ यानी स्टक हो चुका है अपनी लाइफ में, ऐसा महसूस करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, अपने आसपास के सभी लोगों को, जिनको भी जानते हो जिनको नहीं भी जानते हो, उनको भी शेयर कर देना, पता तो चले उनका बिहेवियर कैसा है और उनको कैसे बिहेवियर रखना चाहिए। और कुछ हट के वीडियो देखने, कुछ ह्यूमन नेचर के बारे में सीखना, कुछ ह्यूमन बिहेवियर के बारे में सीखना है आपको, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलूँगा आपको अगले वीडियो में। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी को